अनुपमा के बाद माया का अगला निशाना बरखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, माया जिसकी माया कोई नहीं समझ सकता, माया को अनुज चाहिए और अनुज के इर्द गिर्द जो भी है वो माया को नहीं चाहिए। जितना जिसका काम है उसको वो यूज करेगी और फिर अपने अनुज के साथ एक खुशहाल जीवन जीने की इच्छा रखेगी। अब कपाड़िया हाउस में माया आ गई है और माया सबसे पहले कपाड़िया हाउस में ही आई थी। तो अब आगे प्लान ऑफ एक्शन माया का क्या होगा, उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, माया की एंट्री कपाड़िया हाउस में हुई थी और तब माया ने अनुज को भी देखा था और देखते ही उसको लगा था कि यही है मेरा वो प्यार जिसको मैं ढूंढ रही थी। जैसे कि अनुज को उसने नोटिस किया कैसे वो अनुपमा को प्यार करता है, औरतों की रिस्पेक्ट करता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कपाड़िया हाउस में फिर से माया आई है और माया काफी कुछ करके आई है। अब अनुज उसके साथ है, चाहे अभी दिल से नहीं है मगर पूरे शारीरिक तौर पे तो साथ में ही है। उसकी केयर भी करता है, उसकी बच्ची से प्यार करता है, उसकी बच्ची का बाप है वो, चाहे बायोलॉजिकल नहीं है मगर पापा कहती है वो। तो ये जो माया का अब आना है ये बहुत बड़ी बात है। और अब माया ने आके जो पहले सपने देखे थे जब वो शुरू में आई थी, 15 दिन के उस नोटिस पीरियड में जो माया ने सपने देखे थे, जो उसके सपने हमें दिखाए भी गए थे, पिक्चराइज हुए थे, उन सपनों में माया, अनुज और छोटी थे, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी बेडरूम में, कभी यहाँ कभी वहाँ उसी घर में। अब उस घर में माया अपने सपनों के साथ ही आई है दोस्तों, और अब उसको लग रहा है कि ये सपने पूरे करने हैं मुझे। अनु चाहे मजबूरी में ही सही मेरे साथ है और अनुपमा नहीं है उस घर में, यही माया का सपना था। और वो सपना तब टूटता था जब माया सपना देखती थी अनुपमा आ जाती थी, मगर अब तो अनुपमा है नहीं, अब बचा कौन वहां पे? बची बरखा, डिम्पी तो शादी करके जा रही है, तो बरखा का नंबर तो आएगा ही आएगा दोस्तों, क्योंकि माया ने अपना वो सच भी बरखा को नहीं बताया है जो हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे हैं, और बरखा का यह सच माया को नहीं पता है। अब जब बरखा का यह सच सामने आएगा तो जैसे पहले होता था कि अनुपमा अनुज को समझाती थी कि परिवार है, ये है, वो है करके माफ कर दो, जिसका रिजल्ट अनुपमा आज भुगत रही है, वो गलती माया नहीं करेगी। माया यहां पे ना तो बरखा का लिहाज करेगी ना ही किसी और का, और यही बात को वो हाईलाइट करेगी कि ऐसे लोगों को आसपास नहीं रखना चाहिए। अनुज तुम्हारी भाभी है और इतना बड़ा झोल, क्योंकि माया अब कपाड़िया हाउस में रहने वाली है, क्योंकि जैसा कि आज की कड़ी में हमने देखा, जिसको मैं सिम्टम्स कह रही हूं कि बरखा का पूरा इंटेंशन है कि वापस चले जाए, मगर माया नहीं चाहती है वापस जाना, क्योंकि अब आगे ये भी होगा कि माया को वो सारे सपने सच होते हुए दिखाई देंगे। अनुपमा अमेरिका जाएगी जैसे कि वो सोच रही है, और बरखा कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बरखा अपनी जगह पे डरी हुई है कि अगर ये बात मैं इसके दिमाग में डालूंगी कि नहीं गई अनुपमा तो क्या होगा, तो तुम चली जाओ अनुज को लेके। तो मुझे तो एक चीज सच में ये भी समझ में नहीं आती कि अनुज चाहे पूना रहे, चाहे नासिक रहे, चाहे कहीं और रहे, चाहे बॉम्बे रहे, कहीं पे भी रहे, तो बिजनेसमैन खाली उसी जगह पे बैठ के बिजनेस देख सकता है जहां पे उसका बिजनेस है, जहां पे उसका ऑफिस है, क्या दूसरी जगह पे जाके बिजनेस नहीं देख सकता? ये आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या उसने अब तक अपने बिजनेस के बारे में देखा ही नहीं? क्या उसके पास कोई भी खबर नहीं पहुंची कि बिजनेस में चल क्या रहा है? तो ये कैसी कंफ्यूजन वाली स्टेज में डाल दिया है ये जो अब माया करने वाली है, उसमें ये सब चीजें सामने आने वाली है दोस्तों, क्योंकि बरखा का पत्ता तो माया ने साफ करना ही करना है, क्योंकि अनुज की भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, वो आसपास नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि माया चाहती कि अनुज मेरा और सिर्फ मेरा ही रहे, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अपना उसके आसपास नहीं फटकना चाहिए, कभी कभी आए मिलके चले जाएं। तो ये सब करने वाली है माया दोस्तों, यही मुझे लगता है, क्योंकि माया बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। उसने जैसे जैसे बरखा को चाहा वैसे वैसे बरखा को यूज किया,
बरखा के लालच ने बरखा को यूज करवाया, मगर अब जो है वो सब चीजें दोस्तों सामने आएंगी और माया खुद उन्हें सामने लेके आएगी, क्योंकि माया ने अपना राज किसी को भी नहीं बताया है। तो बरखा का तो बुरा हाल होना ही होना है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.